हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो ना? आज का टॉपिक है, आज का जो वीडियो बना रहा हूँ, अभी फिलहाल साइड पे हूँ, बैकग्राउंड को आज काम चल रहा है घुटाई का। ये देखो, ये अपन ने बिल्डिंग किया है, इसका लुक बता था। तो इधर हूँ, अभी नीचे फर्ची का काम चालू है, तो आवाज आ सकता है आपको कुछ डिस्टर्बिंग, पर भी आप मेरा आवाज आपको सुनने को आएगा क्लियर में, क्लियर एकदम। तो भी अगर बीच में कभी नॉइज आए मशीन की, तो प्लीज अवॉइड करना। इतना तो कुछ अपने पास स्टूडियो वगैरह नहीं, खाली आप लोगों को मदद हो इसलिए मैं वीडियो बना था। मैं भी एक छोटा मोटा आदमी हूँ जो बिजनेस कर रहा, आप लोगों से ही सही करा। तो एक्चुअली आज का टॉपिक ऐसा है दोस्तों, मुझे बहुत सारे फोन आए, मैसेज आए, ज्यादातर टॉपिक लेने को बोला, लोन लोन लेना है हमें। ये देखो आवाज आ गया, ये अभी ये लोगों को भी कुछ बोल नहीं सकते, ये भी उनका काम कर रहे हैं, उनकी भी रोजी रोटी है। चलो आज का टॉपिक है, मुझे बहुत कमेंट्स आए, व्हाट्सएप आए, कॉल आए कि सर जी आप लोन पे कुछ तो भी बनाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना वो जो सब टाइटल है ना वो रख के इतने व्यू लिए है यूट्यूब पर खाली वो सही में मेरे को नहीं पसंद आया यूट्यूब पे का जो बना रहे कि गोट फार्मिंग करो, 20 लाख का लोन लो, कैसे ले लोन गोट फार्मिंग के लिए, पोल्ट्री फार्म डाला है, कैसे ले लोन, ऐसे अट्रैक्टिंग थंबनेल डाल के आप बस व्यूअर खींच सकते हो, आप उनके दिल में आपकी जगह नहीं बना सकते। आज बकरी वाले के पास प्रोफेशनल ना कैमरा है, ना स्टूडियो है, ना कुछ भी चीज प्रोफेशनल है। मेरा 8,000-9,000 का फोन है EMI का, उससे मैं वीडियो निकालता डालता, मैं कंटेंट अच्छे डालता। अभी खाली एक माइक लेने की कोशिश है 500-600 रुपए की, कि मेरे सब्सक्राइब, मेरे जो चाहने वाले यूट्यूब पे, उनको मेरा आवाज क्लियर जाए, इसके खातिर मैं बस माइक ले रहा, तो माइक लेने वाला हूँ, बाकी अपना कुछ खर्चा नहीं, बाकी जो है अपना वो दिल से है, बराबर। तो एक्चुअली चीज ऐसी है जो जानकारी मिसगाइड करने वाले लोग बहुत होते हैं। तो आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप किसका सुन रहे हैं, आपको कौन राह दे रहा है, यानी कि कैसा है, जो भगवद गीता में अर्जुन था उसको जो कृष्ण भगवान ने गाइड किया, जो बताया, तो वो गाइडर थे उनके, अर्जुन के, तो वो गाइडर अच्छे थे, इसके लिए अर्जुन ने युद्ध जीता, बहुत सारी ये हुई, मिथ हुई उस पर, बहुत सारे कुछ बहुत सवाल हुए। लेकिन अगर कृष्णा अगर गुड आपका जो आपका गाइड चुनने वाले है, जो आपको गाइड करने वाला, मैं ऐसा नहीं बोलता मुझे गाइड कीजिए, मुझसे भी ज़्यादा समझदार होशियार लोग इस इंडस्ट्री में है, लेकिन वो इतना वाकिफ नहीं है उन सोशल मीडिया से। तो लेकिन मैं जितना हूँ उतना मैं आपको देने की कोशिश कर रहा। तो सवाल ये था दोस्तों का, लोन कैसे मिलेगा। दोस्तों ये देखो, एक बात मैं आपको क्लियर बोल देना चाह रहा, ये जो लोन है, ये लोन क्या है, ये लोन बैंक का प्रोडक्ट है, बराबर। अपना जैसे बकरी है, मुर्गी है, अंडे है, बियाने है, चारा है, बराबर। तो ऐसा ये लोन अपने मुर्गी जैसा, बकरी जैसा लोन प्रोडक्ट है बैंक का, बैंक यानी कि कंपनी, उसका प्रोडक्ट है लोन। तो अपन को कैसे लगता है ईद आ जाए, ईद को रेट मिल जाए, कि नहीं तो कटिंग को बकरा जावे तो उसका गोश्त ज्यादा भरे, पैसे ज्यादा आए, मुर्गी ज्यादा अंडे दे, उसका मुनाफा ज्यादा बढ़े, अंडे ज्यादा बेचे जाए, ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक अपन अंडे पहुंचाए, बराबर। तो सेम थिंग है, बैंक को करना है उसका प्रोडक्ट सेल, उसका प्रोडक्ट है लोन, तो वो भी अच्छे लोग ढूंढती है। बैंक को भी अच्छे कस्टमर जरूरी है बैंक की बढ़ोतरी के लिए। बैंक अगर लोन नहीं देंगी तो बैंक बंद हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे बैंक है जो करप्ट हुई, जिनके पॉलिटिक्स हुआ कुछ, उनके अंदर ज़्यादा लोन दे दिया, या बुरे कस्टमर मिल गए, या बुरे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे आप नेट पे सर्च कीजिए। लेकिन आज के बैंक क्या कर रहे हैं, तो कस्टमर ढूंढ रहे हैं। अपन जैसे अपना बकरा मुर्गी अंडे बियाने बेचते हुए कस्टमर अच्छे से ढूंढते हैं, तो वैसे ही वो भी ढूंढ रहे, तो उसको गुड कस्टमर आप कैसे बने। तो एक चीज है, आपका बैंक में पुराना अकाउंट चाहिए, 2 से 3 साल का तो भी अकाउंट चाहिए आपका। अगर गोट फार्म है तो आप गोट फार्म डालने से पहले उसका ये कर लीजिए, अकाउंट खोल लीजिए। अगर आप गांव में रह रहे तो ग्राम पंचायत में जाके कुछ तो भी उसका NOC मिलता, मैंने अभी प्रोसेस चालू है मेरा नगर पंचायत आता है, तो मैं नगर पंचायत में जाके NOC लूंगा, ये व्यवसाय दाखला बोलते हैं उसको, ये बिजनेस करता है ये बंदा, ऐसा ऐसा ये ऐसा दाखला रहेगा, वो मैं लूंगा और बैंक में जाके अकाउंट खोल दूंगा, ऐसा ये चीज पहले करना है। तो उस पर अपने को ट्रांजेक्शन बताने, तो बैंक कैसे चूज करती है अपन किसको लोन देना है किसको नहीं, उसका बैंक ट्रांजेक्शन देखती है और सिविल स्कोर होता है। आपने अगर बजाज फाइनेंस है, और भी सारे फाइनेंस है, उसका मोबाइल लिया है, टीवी लिया, फ्रिज लिया, या गाड़ी ली, बाइक ली, किसी और फाइनेंस है, अगर आपने वो हफ्ते अगर ठीक से पेड किए नहीं, तो आपका सिविल खराब है।
तो आप उस क्राइटेरिया में बैंक के नहीं बैठते बराबर। तो आपको क्या दिखना है, अच्छा कस्टमर दिखना, यानी दिखना नहीं बनना है, असल में बनना है। वो आपके लिए आगे जाकर भी काम में आने वाला है, वो नहीं कुछ ऐसा काम में नहीं आएगा। आपको ट्रांजेक्शन करने हैं, आपको चेक देने हैं लेने हैं, थोड़े चेक से व्यवहार करने हैं। अगर किससे बकरी ले तो चेक दे दे, उससे अकाउंट में से डिडक्ट होंगे पैसे, अकाउंट पे चेक दे। और जो असल में जो बैंक मैनेजर है उसके हाथ में होता है आपको लोन देना। तो बस आप बैंक मैनेजर को काबू में कर लीजिए। अभी मैंने फिलहाल बहुत लोन निकाला पीछे, अभी बोलूँगा नहीं वाकड़ा लेकिन मैंने बहुत अच्छे से रिलेशन बनाए। मैंने शेयर्स लिया उस बैंक में, एक्चुअली हमारा प्राइवेट बैंक है इधर गांव में का मर्चेंट बोल के, तो मैंने शेयर्स बनाए, तो डैडी के जो कॉन्टैक्ट थे वो भी काम में आए। तो ये सारी चीज़ें काम में आती है। और सबसे अच्छी यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पास अगर आईटी रिटर्न हो ना तो आप प्रोफेशनल टैक्सर हो, ऐसा उनको लगता है कि ये बंदा टैक्स भर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास कुछ तो भी इनकम आ रहा है, इसके खातिर तो ये टैक्स भर रहा है ना। ऐसा जाके उठ के कोई भी थोड़ी टैक्स भरता है। अभी मैं तो मैंने शुरुआत किया था 500 से 800-900 रुपए टैक्स भरने की 3 से 4 साल पहले। अभी मेरा टैक्स बहुत जा रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन का अलग फर्म किया है, वो डैडी और मेरे पार्टनरशिप में है, और मेरा राजमुद्रा गोट फार्म मेरा और मेरे पार्टनर के बीच में। बकरी वाला मैंने प्राइवेट लिमिटेड नहीं किया, LLP किया। LLP सेम एज इट इज प्राइवेट लिमिटेड रहता है, लेकिन हम गरीब लोग हैं, ऑडिट का वगैरह मसला ज़्यादा नहीं आता, इसके खातिर अपन ने LLP किया। LLP का मीनिंग होता है लॉयल्टी लिमिटेड पार्टनरशिप, उसका एज इट इज अपन जैसा अपना खुद का टैक्स भरते हैं वैसा ही टैक्स रहता है, कंपलसरी ऑडिट वगैरह ज़्यादा झंझट नहीं रहती। तो इसके खातिर मैंने LLP किया। LLP के भी बहुत सारे फायदे, आप फॉर्म भी कर लीजिए आपके नाम पे, आपके पिताजी के नाम पे, अगर गोट फार्म भी है पोल्ट्री भी है तो बॉन्ड पेपर करके आपको वो CA पूरी जानकारी बता देंगे। बाकी लोन के लिए जो भी प्रोजेक्ट लगेगा उसको मैं 500, 600, 700, 1500, 2000 तलक भी लेता, तो उसके आपके हिसाब से मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको बैंक में देना है। पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे कोई नहीं लोन देगा दोस्त, कोई नहीं। आपको पहले आपकी कीमत बनानी। अगर आप मेरे पास आवे और मुझे बोलिए कि सर ये बकरा मुझको दे दो, मैं बोलूँगा ठीक है चलो भाई पैसे निकाल और बकरा लेके जा। अगर आप बोले मेरे पास अभी 20,000 है बकरा, 30,000 का 10,000 बाद में दूंगा, तो मैं बोलूँगा यार क्या गारंटी तू 10,000 मुझे देगा? क्योंकि ऐसे भी धंधे में बहुत लपड़े चल रहे, बहुत सारे धोखेबाजी कर रहे लोग, फरेबी लोग है अभी भी बहुत सारे, सब धंधे में है वैसे, सब नहीं है, 20 से 25% तो लोग होते। तो मैं भी वैसे ही बोलूँगा ना कि क्या गारंटी आप मुझे पैसे दोगे 10,000 जो बाकी रहेंगे आपके पास, तो गारंटी होना ना। तो गारंटी के लिए अभी बहुत सारे जो धंधे खेती रिलेटेड यानी फार्मिंग रिलेटेड वो बुरे हो गए। उसका क्या हुआ है, उसकी इमेज खराब हो गई, लोगों ने वो धंधे चालू किए और इंस्टॉलमेंट ना दे सके, बाद में उन पे केस चली, कोर्ट में केस चली। और फार्मर रहने के वजह से कुछ तो भी कलम है अपने जो बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संगठना संविधान लिखा है उसमें कुछ तो भी कलम है फार्मर है उसके बारे में, कि वो अगर लोन ना चुका सके तो उसके बाद उसको कुछ तो भी किस्तें कर देता है कोर्ट, उस किस्तों में वो लोन भरता है। तो वैसे में नुकसान तो बैंक का होता है, पैसे तो बैंक के डूबते हैं बराबर, तो फार्मर बच जाता है लेकिन बैंक के पैसे डूब जाते हैं। और एने प्रॉपर्टी नहीं रहती, वो ग्रीन जोन आता फार्मिंग, तो इसकी वजह से उनको पूरा कब्जा भी नहीं करना था, वो भी कलम है कुछ तो भी एक्ट है अपने इंडिया में वो। तो उसके खातिर अभी बैंक ने एक नया ये लिया है, अभी एक डेढ़ दो साल से चल रहा है। अगर आप लोन करोगे, अगर समझो बकरी वाले गौरवगिरी में गोट फार्म डाल रहा, तो मैं गोट फार्म डालते वक्त लोन लूंगा, तो वो लोन लेते वक्त मुझे करना ये है कि मेरी जो खेती है, मेरा जो फार्म है, मेरा अगर सपोज 4 एकड़ का फार्म है तो मुझे 4 एकड़ का फार्म भी गांठ रखना है, लेकिन मेरा जो सिटी में अगर कोई प्लॉट है, कोई फ्लैट है, कोई बंगलो है, वो भी मुझे गांठ रखना है। क्योंकि क्या होगा, जब भी मैं उनको पैसे नहीं भरूंगा, इंस्टॉलमेंट नहीं जाएंगे मेरी, या कुछ प्रॉब्लम आएगा अगर मैं लोन ना देता रहूँ, ऐसा कुछ होए तो वो सीधा करेंगे, मेरा जो प्लॉट रहेगा, मेरा जो फ्लैट रहेगा या मेरा बंगला रहेगा वो जब्त करा लेंगे, उस पर सील हो जाएगा बैंक का। उसको आसान होता है, उसका लिलाव हो सकता है, वो बेच भी सकते हैं लिलाव में जल्द से जल्द, जैसे अपने को नोटिस आएंगे, अपन नोटिस पे ध्यान नहीं देंगे, लोन नहीं भरेंगे। तो इसका क्या होता है, बैंक को वो बंगला, वो प्रॉपर्टी अपने गाँव में की बेच के उसके पैसे अदा कर लेती है उसके लोन के, तो इसके खातिर उनको तकलीफ नहीं होती। अगर फार्मिंग पे रहा, फार्मिंग ही रहा, तो फार्म उनको कैद नहीं कर, यानी वो जब्त नहीं करने आता जो अपना खेती बाड़ी होती है वो, तो उसके खातिर ये एक्ट उन्होंने, ये नियम उन्होंने नया चालू किया बैंक वालों ने, ये नहीं प्रॉपर्टी वो लेते। लेकिन आपके फार्म से वो ये नहीं प्रॉपर्टी कितनी किलोमीटर दूर है, कुछ तो ऐसा क्राइटेरिया है। बाकी आपको लगता है
दाखला वगैरह लगता है, ग्राम सेवक के पास वो दाखला मिल जाता है, व्यवसाय का दाखला मिलता है, बाद में आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। मैं आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता हूँ ट्रेनिंग के साथ, अगर आप हमारे पास ट्रेनिंग ले। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है, और ये सब चीज एक बाजू को है दोस्तों। ये बस 10% चीजें है, 10% चीजें है, और 90% चीजें क्या है पता है? इम्पोर्टेंट लोन लेने के लिए आपको आपका क्रेडिट होना, आपकी उतनी उधर पहचान, क्रेडिट आपका, उतना ट्रांजेक्शन आपका उधर अकाउंट, ये सब चीजें होना, तब जाके आपको लोन मिलता है। बाकी तो आपका क्रेडिट रह जावे तो बैंक मैनेजर बोलता है जा इनको फोन कर। मेरे नंबर बहुत सारे अभी बैंक मैनेजर दे रहे कि इनसे, इनके पास से ले ले प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अभी पोल्ट्री का वगैरह भी चालू किया ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकालना, तो इसके वास्ते वो भी फोन करते, वो बोलते उनको दे दो ऐसा वैसा, तो वो आपको आइडिया देते। बस आप क्रेडिट बनाओ, अच्छे से ट्रांजेक्शन करो। आपका अगर 10 बकरियों का भी व्यापार है तो भी गोट फार्म के नाम पे, आपके नाम पे फार्म बना के एक बार आप अकाउंट खोल लीजिए, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह, ये भारतीय अपनी जो नेशनलाइज बैंक्स है इनपे आप खाता खोलिए तो ज़्यादातर अच्छा रहेंगे प्राइवेट में खोलने से। प्राइवेट में ज़रा चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, और जो आपको सब्सिडी वगैरह लेनी रही उस पर भी आगे जाके वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मिलती ही है ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, बहुत सी चप्पल घिसनी पड़ती है। उसमें एक नाबार्ड का भी वीडियो बनाऊंगा, नाबार्ड के भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन किए। नाबार्ड की स्कीम अच्छी है, बट लेकिन आपको पहले ऐसा होता था कि लोग लोन लेते ही थे सब्सिडी के लिए, तो लोन लेना और भर देना, बाकी लोन लगे जो बाकी सब्सिडी खा जाना। तो अभी नाबार्ड भी होशियार हो गया, गवर्नमेंट भी होशियार हो गया, उसने किया ऐसा कि आप 10 लाख का लोन लेंगे और आप कैटेगरी में, सपोज आपको 5 लाख रुपये सब्सिडी मिलने वाली, आप 10 लाख का लोन लेके 5 लाख जब फेड़ोगे, 5 लाख आपने फेड़ दिए बैंक, आपका 10 साल का हफ्ते का पीरियड है, जो हफ्ते आपने डिवाइड किए वो 10 साल में, 5 साल में आपने 5 लाख रुपए फेड़ दिए, बराबर आपके बचे 5 लाख रुपए। तो जब 5 लाख आपके बचते हैं तो डायरेक्टली नाबार्ड बैंक को आपके लोन अकाउंट से वो 5 लाख का चेक विड्रॉ करा देता है, और 5 लाख सब्सिडी इनडायरेक्टली आपको मिल जाती है आपके लोन अकाउंट में से। तो ये बहुत सारी चीज़ें है, और एक सर है वो दोस्त है अपने, उनसे भी जानकारी लेके बहुत सारी जो स्कीमें सब बनाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, मैं भी आप जैसा ही एक सादा इंसान हूँ। और मुझे क्वेश्चन कीजिए दोस्तों कि मैं क्या बनाऊँ, मुझे सूचना नहीं। अभी मैं था, मैंने बहुत सोचा कि अरे ये तो बहुत कमेंट्स आई है, बहुत लोग बोले कि आप लोन पे बनाओ, तो इसके खातिर आज लोन पे बनाया। और वीडियो लाइक करना मत भूलिए, और दोस्तों ये जो अंगूठा ऊपर है ना, ये लाइक होता है, ये ना डिसलाइक होता है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त है जो फार्मर है, उनको समझ में नहीं आता, वो डिसलाइक का दबा देते, तो इससे मुझे परेशानी होती YouTube पे। तो आप प्लीज ये दबाया कीजिए, और प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटा है वो घंटे को भी दबाइए, वो सब्सक्राइब करने को आपको कोई भी पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करना पूरा फ्री है। आज का वीडियो बहुत लंबा बन गया, इसलिए बहुत बहुत सॉरी। चलो चलता हो, खुदा हाफिज, नमस्ते, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और चलो याद कीजिए, आगे कुछ रहा तो, कुछ टॉपिक रहा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मैं गौरव गिरी बकरी वाले आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, थैंक यू।